फ्रेंड्स, आज मैं आपको नोलिना प्लांट जो मैं लेके आई हूँ नर्सरी से उसको ग्रो करना दिखाऊंगी। उसको पोनीटेल पाम भी कहते हैं और एलिफेंट फुट भी बोलते हैं। इसके कई बोटनिकल नेम भी हैं और ये बल्ब की तरह होते हैं, प्याज के जैसे बल्ब होता है और इसको आउटडोर इंडोर दोनों जगह पे ये सरवाइव कर जाता है। पानी की भी इसको कम जरूरत होती है और साथ में इसको फर्टिलाइजर भी बहुत कम दिया जाता है और इसकी शेप एक फाउंटेन की तरह, फुहारे की तरह बनती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा एक लुक देती है। तो अब हम इसको ग्रो करते हैं और इसको कैसा फर्टिलाइजर देंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी बातें। फ्रेंड्स, जो ये हम बल्ब लगाते हैं, मेरे पास यहाँ बहुत से बल्ब लगे हुए हैं कई तरह के, तो उनमें मैं तकरीबन सभी में गार्डन सॉयल ही यूज करती हूँ। गार्डन सॉयल के साथ में उसके साथ वर्मी कंपोस्ट, ओनली वर्मी कंपोस्ट देती हूँ। तो उसके बाद जब वो ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं बल्ब, तब मैं उनमें फर्टिलाइजर देती हूँ, वो भी बहुत कम मात्रा में। और वाटिंग आपने देनी है बहुत ही कम, ताकि हमारा जो बल्ब है वो गल ना जाए। ज्यादा देते हैं उसको पानी तो वो सड़ने की उम्मीद पे हो जाता है, सड़ने की कगार पे, तो इसलिए उसको पानी कम दें। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है, इसको आप लगाओ और भूल जाओ, क्योंकि इसकी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तभी तो इसको प्लांट इट एंड फॉरगेट इट, क्योंकि इसकी बहुत ही कम केयर है और इसको एक साल में भी अब अगर आप मैन्योर देते हैं तो तब भी ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। और क्योंकि इसके बल्ब में ही, जो इसका बल्ब होता है उसमें ही वाटर स्टोर कर लेता है ये, तो गर्मी के मौसम में तो आप एक सप्ताह में एक बार वाटरिंग करें, बट जब विंटर आता है तो उस टाइम आप तकरीबन 1 मंथ के करीब इसको वाटरिंग करें। तो इसके लिए वाटरिंग की भी कोई समस्या नहीं है। वो मैन्योर भी मैं आप बताऊंगी कि आप 1 मंथ, 1 ईयर में कौन सा इसको मैन्योर दें कि ये अपने आप ही सर्वाइव करता रहे। फ्रेंड्स, ये नोलिना प्लांट की 2 मंथ की ग्रोथ है और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये केयर नहीं मांगता तो ये प्लांट भी स्लो ही स्लो ग्रोथ करता है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लें कि हमारे प्लांट ने ग्रोथ नहीं की है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और बहुत ही एक सुंदर फाउंटेन की तरह प्लांट बन जाता है। मैं अपना नोलिना प्लांट दिखाती हूँ, मेरे यहाँ पॉट में लगा हुआ है, पिछले ये 2 साल से लगा हुआ है, जिसकी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ बनी हुई है। इसके बल्ब ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और इसको मैं ओनली 6 मंथ के बाद इसको मैं फर्टिलाइजर देती हूँ। वो मैं फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसा फर्टिलाइजर देती हूँ। वाटरिंग की अगर आप बात करते हैं तो आप सप्ताह में एक दिन इसको वाटर दें, ताकि मैंने पहले भी आपको बताया है जब मैं इनकी प्लांटिंग कर रही थी कि इनके बल्ब में खुद ही स्टोर करने की, वाटर स्टोर करने की वैल्यूज होती हैं इसलिए आप अगर आप इसको कम वाटर देते हैं तो ये अपने बल्ब से ही अपनी वाटरिंग की पूर्ति कर लेते हैं, और अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ये सड़ने का डर रहता है। अब हम जो ये फर्टिलाइजर देंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। ये मैं चिकन मैन्योर, बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुका है चिकन मैन्योर, इसको मैं पानी में भिगो दूंगी तकरीबन 1 सप्ताह के लिए। और इसमें मैं मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम सादी भाषा में एप्सम साल्ट कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार अगर हम इसको फर्टिलाइजर देते हैं, वैसे तो ये हार्डी प्लांट है बट ये थोड़ा सा नर्वसनेस में चला जाता है, इसके पत्ते थोड़ा सा वो झूल से जाते हैं, तो इसके लिए मैं मैग्नीशियम सल्फेट ओनली 1/2 स्पून के हिसाब से लेती हूँ। और चिकन मैन्योर, जिसमें बहुत ही काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और हमारी इन लीव्स के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल मेरे यहाँ पोट में फाउंटेन की तरह बना हुआ है नोलिना प्लांट। तो अब मैंने जो ये भिगो के रखा हुआ था, इसको भिगोए हुए मेरे 10 दिन हो चुके थे और अब मैं इसको फर्टिलाइजर दूंगी, ये ऐसा बन जाएगा। इसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया था, तकरीबन
एक लीटर पानी में इस चिकन मैन्योर और मैग्नीशियम सल्फेट के पाउडर को, और अब मैं इसको पानी दूंगी। वाटरिंग करने के बाद एक सप्ताह तक मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करें। अगर आपको नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर दिया करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज मेरी पसंद नहीं आई यहाँ पे प्लांटिंग में, तो ताकि मैं उसको सुधार लूं। मेरी चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर का बटन भी दबा दिया करें। किसी और टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगी, इसके लिए थैंक्स।